हेलो क्लास सेवन, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर संस्कृत क्लास। आज हम सब संस्कृत की पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, तृतीय पाठ है, जिसका शीर्षक है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी का। इसका अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्म वने कर्पूर तिलका नाम एका गजब वसति स्म। ब्रह्म वन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तत्र केचन श्रीगाला अपि प्रतिवसन्ति स्म। वहाँ पर कुछ श्रृंगाल या सियार भी रहते थे। एकदा तेषु एक श्रृंगाला अवगत। एक बार उनमें से एक श्रृंगाल बोला, यदि वयम एतम गजम मारियम, यदि हम सब यह हाथी मार दें, तरही मासम यावत वयम खादितुम शक्नुयाम, तो हम मांस उसका मांस खा हम सब खा सकते हैं। तदा तेषु एक वृद्ध श्रृंगाल अवदत्। तब उनमें से एक वृद्ध श्रृंगाल बोला, अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन त गजम मारयिष्यामि इति, हम सब बुद्धि के बल से निश्चय ही उस हाथी को मारेंगे। तदंतरम गजम अन्वेषयन, तब हाथी को खोजकर सह गजस से समीपम गत्वा, वह हाथी के समीप गया। तम साष्टांगम नमस्कृत्य अवदत, उसे साष्टांग नमस्कार किया और बोला, गजराज मई दयस्व, गजराज मुझ पर दया करें। गजह श्रृंगाल पृष्टवान, कोऽपि त्वम्, हाथी श्रृंगाल से पूछा, तुम कौन हो, अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ क्यों आए हो। तदा श्रृंगाल अवदत, तब श्रृंगाल बोला, वने जंतवः वसन्ति, वन में जानवर रहते हैं, किंतु कोऽपि राजा तेषां नास्ति, लेकिन उनका कोई राजा नहीं है। ते राजान विना जीवितुं न शक्तो, वे राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते, अतः ते सभां कृत्वा मां सूचितवन्तः यत्, इसलिए उन्होंने सभा कर मुझे सूचित किया कि यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत तरहि वरम, यदि गजराज हमारे राजा होंगे तो ही श्रेष्ठ है। अहम तेषाम एव संदेशा, मैं उनका यह संदेश नीत्वा लेकर अत्रागतो अस्मि, यहाँ आया हूँ। कर्पूर तिलक एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्। कर्पूर तिलक यह सुनकर प्रसन्न हुआ। तस्यानुरोधम अंगीकृत्य सह तम अनुसृतवान। कर्पूर तिलक यह सुनकर प्रसन्न हुआ, उसके अनुरोध को स्वीकार किया। सह तम अनुसृतवान, और उसका अनुसरण करने लगा या उसके पीछे पीछे चलने लगा। सह चतुर्श्रृंगाल, वह चतुर्श्रृंगाल तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत, वह चतुर्श्रृंगाल उस कर्पूर तिलक को एक गड्ढे के समीप लाया। तस्मिन गर्ते पंकः आसीत, उस गड्ढे में कीचड़ था। सह गजः तस्मिन गर्ते अवतत, वह हाथी उस गड्ढे में गिर गया। सह श्रृंगालम अवदत, वह श्रृंगाल से बोला, रक्षतु माँ मेरी रक्षा करो। तदा सह धूर्त श्रृंगाल उच्चय हसन अवदत, तब वह धूर्त श्रृंगाल जोर से हंसा और बोला, मम पुच्छम गृहत्वा गर्तात बहि आगच्छ, मेरी पूँछ पकड़कर गड्ढे के बाहर आ जाओ। तदा कर्पूर तिलका अवगच्छत यत सह, तब कर्पूर तिलक यह समझ गया कि सह श्रृंगालेन वंचिता इति, कि वह श्रृंगाल के द्वारा ठगा गया है। अतः उच्यते, इसलिए उचित ही कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी का बल। थैंक यू सो मच।